हेलो फ्रेंड्स, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, पनारी, ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है श्रवण विकलांगता। दोस्तों, यह टॉपिक डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो पहले हम जानेंगे श्रवण विकलांगता क्या है, इसके पश्चात हम यह जानेंगे कि इसकी पहचान, इसके लक्षण कैसे होते हैं। तो श्रवण विकलांगता क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज सुनने में अक्षम होना श्रवण विकलांगता कहलाता है। यह श्रवण तंत्रिका के अपर्याप्त विकास के कारण श्रवण संस्थान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। सुनना सामान्य वाचा एवं भाषा के विकास के लिए सुनना यह प्रथम आवश्यक है। बच्चा परिवार या आसपास के वातावरण में लोगों की बोली सुनकर ही बोलना सीखता है। बधिरता एक अदृश्य दोष है। यह व्यक्ति या बच्चे के बहरेपन को पहचानने के लिए सूक्ष्म निरीक्षण की आवश्यकता होती है। जन्म के समय पूर्व शैशवावस्था में बहरापन बच्चे के संपूर्ण विकास में गलत प्रभाव डालता है। यह प्रभाव विकलांगता की प्रभाव विभिन्न प्रारंभिक आयु स्वरूप और श्रेणी पर निर्भर है। अब हम जानेंगे कि मध्यकर्ण श्रवण दोष क्या होता है। तो मध्यकर्ण श्रवण दोष चोट के कारण होता है, श्रवण तंत्रिका के संक्रमण के कारण होता है, या श्रवण तंत्रिका के अपर्याप्त रूप से विकसित होने के कारण होता है। यह दिमाग में सुनने के स्थान के विकसित ना होने के कारण होता है। बच्चा सुन पाता है लेकिन सुना हुआ समझ नहीं पाता। कुछ बच्चों को जिन्हें बिना सुनने वाला या सीखने में असमर्थ कहा जाता है, वे इस प्रकार के श्रवण हानि से ग्रसित हो जाते हैं। अब हम जानेंगे श्रवण बाधितों की पहचान। तो श्रवण बाधित बालकों की पहचान उनके बोलने से ही हो जाती है, परंतु इन्हें पहचानने के लिए कई चिकित्सीय परीक्षण करने पड़ते हैं, क्योंकि कक्षा में श्रवण बाधित बालक आसानी से शिक्षकों की दृष्टि में नहीं आते हैं। अतः इन्हें पहचानने के लिए कई प्रकार की अंतःक्रियाएं करनी पड़ती हैं, जबकि बड़ी कक्षा में ऐसा होना संभव नहीं हो पाता। अतः बालकों के प्रवेश के समय ही उनका परीक्षण करवा लेना उचित रहता है। बालकों को विद्यालय में प्रवेश दिलाते समय उन्हें अध्यापक को बालकों की श्रवण शक्ति के बारे में बता देना चाहिए। अतः श्रवण बाधितों को अग्रलिखित आधार पर पहचाना जा सकता है। पहला, चिकित्सकीय परीक्षण। दूसरा, विकासात्मक मापनी, बालक का अध्ययन, मनोनाड़ी परीक्षण, बालकीय व्यवहार का निरीक्षण। अब प्रश्न बनता है कि अंधे बालक का अध्यापक कैसा होना चाहिए? चाहे अध्यापक ब्रेल कक्षा का हो या आवासीय विद्यालय का, उसमें दो बातें होना अनिवार्य है। उसे अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए। तैयार होने से तात्पर्य है पढ़ने के लिए प्रेरित करना, अंधे बालकों की समस्या से अवगत होना चाहिए। अंधे बालकों को कैसे शिक्षित किया जा सकता है? इसका प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। उसे बालक के मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास को अवश्य समझना चाहिए। उसके वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करना चाहिए। माता पिता की अभिवृत्ति को जानना चाहिए और अध्यापकों में सहयोगिता की भावना होनी चाहिए। उसे माता पिता से संबंध रखना चाहिए। उसे अंधे बालकों के संबंध में इन तीन बातों से परिचित होना चाहिए। बालक को जीवन की वास्तविकता का ज्ञान देना, उनमें आत्मविश्वास जागृत करना और उनमें यह भावना जागृत करना कि वह अन्य सामान्य बालकों के ही समान हों। दृष्टि अक्षम बालकों में कम देखने वाले वा अंधे बालक आते हैं, जो सामान्यतः समाज पर बोझ माने जाते हैं, लेकिन ईश्वर प्रदत्त गुणों के आधार पर ये बालक
कुछ विशिष्ट प्रतिभा के साथ संसार में आते हैं और उनके ऊपर यह कहावत चरितार्थ होती है कि जब ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। अतः इन बालकों को अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण देकर किसी कार्य, नौकरी या व्यवसाय में लगाना चाहिए ताकि वे समाज का बोझ बनने से बच सकें। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।